कार्तिक आर्यन इन दिनों बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे बन रहे हैं। उन्होंने पिछले साल भूल भुलैया जैसी शानदार फिल्म की है, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस साल कार्तिक आर्यन शहजादा लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म का टीजर यूट्यूब पर जारी हुआ था, जिसमें अभिनेता का दमदार लुक देखने को मिला था। जब से ये टीजर जारी हुआ, तब से फैंस इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। अब मेकर्स ने शहजादा का ट्रेलर रिलीज कर दिया। यूट्यूब पे पिछले कुछ दिनों पहले ही कार्तिक आर्यन की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जो कि जबरदस्त था। इसमें अभिनेता एक्शन के साथ साथ कॉमेडी करते भी नजर आ रहे थे। शहजादा का ट्रेलर मनोरंजन का कंप्लीट डोज है। इसमें आपको भरपूर एक्शन, ड्रामा और रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। ट्रेलर की शुरुआत कार्तिक के एक्शन से होती है। अभिनेता कहते हैं कि जब बात फैमिली पर आ जाए तो डिस्कशन नहीं, एक्शन करते हैं। इसके बाद कृति सेनन के साथ उनका रोमांस भी दिखाया जाता है। इसके अलावा परेश रावल इस फिल्म में कार्तिक के पिता के रोल में है। ट्रेलर में एक बड़ा सा बंगला दिखाया जाता है। तब कार्तिक अपने पिता से पूछते हैं कि बाबा, मैं बचपन से देख रहा हूँ, आप मुझे कभी अंदर नहीं जाने देते। उसके बाद परेश रावल कहते हैं, ये स्वर्ग है, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत पुण्य करने होंगे या फिर मरना पड़ेगा। गरीबी में पलने बढ़ने वाले कार्तिक आर्यन को अचानक पता चलता है कि वो उनके पिता नहीं हैं और कार्तिक ही उस जिंदल परिवार और बड़ी सी हवेली का शहजादा है। बता दें कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अलावा परेश रावल, कीर्ति सेनन और राजपाल यादव भी नजर आने वाले हैं। फिल्म में कार्तिक के किरदार का नाम बंटू होगा। शहजादा का निर्देशन डेविड धवन के बेटे रोहित धवन कर रहे हैं। इस फिल्म को सिनेमा घरों में 10 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज डे एंड नाइट।